भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले साल 2 अक्टूबर को रायसीनगर थाना क्षेत्र के गांव 29 आरबी में एक खेत में लावारिस हालत में मिली 2 किलो हेरोइन के मामले में श्री गंगानगर की श्री विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को धर दबोचा है। श्री विजयनगर थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए इन 6 तस्करों में 3 तस्कर रायसीनगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं तो अन्य 3 तस्कर पड़ोसी राज्य पंजाब के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर 2022 में एक खेत में 2 किलो हेरोइन लावारिस हालत में मिली थी, जिन्हें इन तस्करों के द्वारा सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी, लेकिन तस्कर जब तक उस हेरोइन तक पहुंच पाते स्थानीय किसान की नजर उस लावारिस बैग पर जा पड़ी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने हेरोइन को जब्त कर लिया। इस पूरे मामले में अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक स्थानीय तस्कर को बख्शी सिंह को भी श्री विजयनगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे मिली जानकारी के अनुसार इन 6 तस्करों को आज श्री विजयनगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री विजयनगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े ये तस्कर बचित्तर सिंह निवासी लुधियाना, जसपाल सिंह उर्फ जग्गू निवासी अमृतसर, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता निवासी अमृतसर, सुखविंदर सिंह उर्फ नवी निवासी 85 आरबी, जसपाल सिंह उर्फ राजू निवासी 85 आरबी और कुलदीप सिंह निवासी 85 आरबी रायसीनगर हैं। फिलहाल श्री विजयनगर थाना पुलिस के द्वारा इन सभी 6 तस्करों से पूछताछ की जा रही है।